वही ड्रग पैडलर्स और नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दून पुलिस ने कोकेन की तस्करी करने वाली केन्या की महिला तस्कर को मसूरी रोड के पास 31 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह महिला कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। आरोपी महिला से बरामद हुई कोकेन की कीमत लगभग 21 लाख रुपए आकी गई है। यह महिला हाई प्रोफाइल पार्टीज में इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी को अंजाम दिया करती थी। फिलहाल मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। राजपुर पुलिस के द्वारा हमारे सीओ मसूरी साहब के नेतृत्व में एक विदेशी महिला जो कि केन्या की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो है अरेस्ट किया गया है, जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपये की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, उसे ये जानकारी में आया है कि ये केन्या की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही थी। इनके द्वारा जो है ये कोकेन मंगाई गई थी और उसके बाद जो एक पार्टी कल एक होटल में, एक राजपुर रोड पर होटल में पार्टी चल रही थी, उसमें इनके द्वारा इस ड्रग को सप्लाई किया गया था। हमारी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है चेकिंग, बृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान का ये नतीजा रहा कि हमारी पुलिस के द्वारा जो है इनको एक होटल से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो है बरामद की गई है। उसके बाद इनको जो है गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।